नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया ये 14वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि कौन सा विकल्प जो है सत्य है। देखें, शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगनी कहा गया है, तो ये बातें सत्य हैं। उसके बाद है, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में की गई है, तो यही बातें जो है गलत है, क्योंकि मोक्ष की जो है चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में और मृत्यु की चर्चा जो है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में की गई है, तो दूसरा विकल्प गलत है, तो केवल पहला विकल्प ही सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। सातवाहन शासक सतकर्णी फर्स्ट की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो रानी नागरिका का नानाघाट अभिलेख में जो है जानकारियां मिलती है। अगले प्रश्नों को देखें। हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनका मिलान सही नहीं है। देखते हैं, मंडी प्रधान सचिव ये सत्य हैं, अवंती विदेशी ये भी सत्य हैं, और सिंहनाद प्रधान सेनापति ये भी सत्य हैं, और हैं कुंतन जो है गज सेनापति, गज नहीं थे बल्कि ये अश्वारोही सेनापति थे अश्व, तो इसलिए जो है विकल्प डी गलत हैं। अगले प्रश्नों को देखें। लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है, लोकेश्वर शतक तो ये हो जाएगा ब्रजदत्त। अगले प्रश्नों को देखें। संगमकालीन चेर शासकों की प्रतीक चिन्ह क्या थी, चेर शासकों की प्रतीक चिन्ह तो ये हो जाएगा धनुष। अगले प्रश्नों को देखें। मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था, तो मोहम्मद गौरी का जो है अंतिम विजय अभियान तो ये रहा था खोखर जाति के विरुद्ध में, 1206 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यह अभियान जो है 1205 ईस्वी में हुई थी और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में जो है भारत से वापस होते समय हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहां का शासक कौन था, तो वहां का शासक हो जाएगा हम्मीर देव था। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी कहाँ की जो है रानी दुर्गावती थी, अकबर के साथ जिन्होंने की युद्ध किया था, तो ये मंडला गढ़ कटंगा की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी, दुबला हाली प्रथा जो है ये हो जाएगा गुजरात में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, तो यह था पावना विद्रोह जो कि 1873 से 76 के बीच जो है बंगाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है। देखें, मूक नायक मोहम्मद अली, मूक नायक के जो है संपादक समाचार पत्र के B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। और मोहम्मद अली जो है कॉमरेड एवं हमदर्द के संपादक थे, लीडर मदन मोहन मालवीय, बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर, काल प्रांजपे। अगले प्रश्नों को देखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड लॉरेंस के दौरान 1866 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में लिखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जो है जर्मनी में किया था 1942 ईस्वी में। 1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था, इनाम आयोग का उद्देश्य तो यह हो जाएगा भूमि संबंधित विवेचना। अगले प्रश्नों को देखें। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति तो ये हो जाएगा प्लायोसिन काल में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। पांडव
किस नदी पर स्थित है? पांडव प्रपात लिखा हुआ है, हालांकि ये केन नदी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है? जलधारण क्षमता सबसे कम बलुई मृदा की हो जाएगी, और चिकनी जलोढ़ मिट्टी की जो है जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है। वनस्पति का विकास निर्भर करता है किस पर? तो वनस्पति का विकास जो है तापमान एवं नमी पर जो है निर्भर करता है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ में? तो यह है गुजरात में। अगले प्रश्नों को देखें। राठी किस पशु की नस्ल है? राठी तो ये हो जाएगा गाय की नस्ल है राठी। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो ये जो है ओडिशा राज्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध तो ये हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से है। 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेघालय राज्य। अगले प्रश्न को देखें। इरोला जनजाति निवास करती है कहाँ में? इरोला जनजाति तो ये तमिलनाडु में निवास करती है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखें। झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? झागोर तो यह हो जाएगा गोवा राज्य का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? देखें इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी, ये सत्य हैं। शारदा परियोजना गोमती नदी, नाथपा झाखड़ी परियोजना गोदावरी नदी नहीं होगा बल्कि सतलज नदी होगा, सतलज, तो इसलिए ये गलत है। और बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो पायकारा जलप्रपात तो ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ में? तो ये जो है नागपुर में अवस्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये हो जाएगा अनंत नागेश्वरन। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है पीटी ओषा। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सीतरांग का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया? सीतरांग का नामकरण तो ये जो है कतर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था कहाँ में? ये पुदुचेरी में किया गया था। बोस्तोक अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? बोस्तोक तो ये जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बोस्टोक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि रूस में जो है आयोजित होता है, तो रूस हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा था, तो वही भारत का स्थान तो चार रहा था, चौथे स्थान पर। दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुपटेक पहल है? दक्ष तो ये जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? लिथियम आयन सेल फैक्ट्री तो ये जो है आंध्र प्रदेश में किया जाना है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1969 में हुआ, तो इसके द्वारा शुक्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य किस वर्ष को रखा गया है? 2024 को रखा गया है। हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये बद्री नारायण को प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर सही है। महाकवि दिवस 11 सितंबर तो ये भी सही है। और सामाजिक न्याय दिवस जो है 16 सितंबर दिया है, 16 सितंबर ओजोन दिवस होता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस, तो ये जो है 17 सितंबर हो जाएगा सामाजिक न्याय दिवस, तो सी विकल्प गलत हो जाएगा। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023
किस राज्य को मिला है? तो ये राज्य हो जाएगा ओडिशा राज्य। अगले प्रश्नों को देखें। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल उप विजेता पूछा जा रहा है, तो उप विजेता कौन हो जाएगा? स्टेफनोस सित्सिपास। और ये जो है, अगर बात करें विजेता का, तो वह था नोवाक जोकोविच, जो कि ऑस्ट्रेलिया का था, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का था। अगले प्रश्नों को देखें। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये लेखक हो जाएगा शेखर पाठक। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था इंदौर शहर में। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से किया गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किसके? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वह इनमें से किसी के भी प्रतिनिधि नहीं थे, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य जो है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। अगले प्रश्नों को देखें। शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि लोकतंत्रात्मक ढंग से जो है जनता में निहित होती हैं, यानी कि ये लोकतंत्रात्मक बातें हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 और अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया है? तो ये संविधान संशोधन था 7वें, और ये हुआ था 1956 में, 7वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्नों को देखें। पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कब परिवर्तित किया गया है? तो 1 अक्टूबर 2006 ईस्वी में परिवर्तित किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां पर की गई है? नागरिकता पाने और खोने के विषय में जो है चर्चाएं की गई है, नागरिकता अधिनियम जो है कानून 1955 में जो बना था उसी में की गई है, और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? समान संरक्षण, तो ये जो है अनुच्छेद 14 में प्रावधानित है, और अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, और अनुच्छेद 39 में जो है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है, और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता दी गई है लोक नियोजन के विषय में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है? राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का जो है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है, बाकी कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का है, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाने का है। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होंगे? अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाएगा तो प्रस्ताव जो है गिर जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति की शक्ति जो है देखा जाए तो अध्यादेश है, संसद के सदनों को संदेश भेजना है, और उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना भी है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा कि नहीं है। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा में पहले जो है किसे पेश नहीं किया जा सकता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 112 में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं राज्यपाल के द्वारा जो है शपथ दिया जाता है। क्षेत्रीय परिषद हैं, तो क्षेत्रीय परिषद जो है एक प्रकार से परामर्शदात्री इकाई हैं। अगले प्रश्नों को देखें। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है किसका?
तो ये हो जाएगा समवर्ती सूची का जो है विषय है। अगले प्रश्नों को देखें, सेब का रंग लाल किस वर्णक के कारण से होता है? तो हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण से होता है। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो मृदु ऊतक का मुख्य कार्य भोज्य पदार्थ संग्रह करना। अगले प्रश्नों को देखें, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है जीका वायरस। और अगले प्रश्नों को देखें, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम तो यह हो जाएगा हेलिएंथस एनुअस। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है? मोलस्का संघ में देखेंगे तो ये क्रैफिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं, बाकी कटलफिश और घोंघा और डेविल फिश ये सब मोलस्का के ही अंतर्गत आते हैं। तापमान बढ़ने से पौधे के वाष्प उत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वाष्प उत्सर्जन की दर जो है बढ़ जाती है तापमान जो है बढ़ने पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडल का निर्माण करती है? टेंडल का निर्माण जो है यह हो जाएगा श्वेत तंतुमय ऊतक। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? तो ये हो जाएगा आमाशय से होता है। हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो यह है मेडुला ऑब्लिगेटा। अगले प्रश्नों को देखें, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बीजों का अध्ययन हो जाएगा स्पर्मोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो एक मिश्रण देखेंगे तो ग्रेफाइट जो है एक मिश्रण है, बाकी कांच इस्पात और पीतल जो है एक मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। ऋण आवेशित परमाणु अर्थात ऋणाधन में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो हो जाएगा तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है। अगले प्रश्नों को देखें, फॉस्फिन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार होता है किस प्रकार का? तो यह हो जाएगा पिरामिड आकार के होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो ये जो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यह एक अम्लीय लवण है। बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? तो बंधनों का टूटना जो है एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण नहीं है? द्रव प्रणोदक के उदाहरण तो ये जो है मेथेन नहीं है, बाकि द्रव अमोनिया एल्कोहल और किरोसिन है। फलो और स्पार किस धातु का अयस्क है? फलोस स्पार तो ये हो जाएगा कैल्शियम धातु का जो है अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी गलत है? कार्बनिक यौगिक है, एक तरफ क्रियाशील समूह है, तो फिनाइल C6H5 सत्य है, एसिटाइल COCH3 सत्य है, मरकैप्टन SH ये भी सत्य है, एल्डिहाइड CO यही जो है गलत है। एल्डिहाइड जो है CO नहीं बल्कि कीटोन होता है CO, एल्डिहाइड हो जाएगा CHO। अगले प्रश्न को देखें, बेंजीन के खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे फैराडे। ग्लोबर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है, ग्लोबर सॉल्ट का जो है रासायनिक सूत्र तो ये हो जाएगा Na2SO4 10H2O। प्रक्षेप्य गति का पथ जो है किस प्रकार का होता है? प्रक्षेप का गति तो ये परवलयकार होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल जो है यह बल आघूर्ण कहलाता है। सूर्य के प्रति सेकेंड ऊर्जा निकलती है, सूर्य से जो है प्रति सेकेंड में कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 3.86 × 10⁶ जूल होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने का कारण क्या है? तो तेजी से बहने का कारण हो जाएगा कम घनत्व। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाएगा? तो हीरे से कांच में जाएगा। परमाणु पायल एटॉमिक पायल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो यह हो जाएगा नाभिकीय अभिखंडन के प्रचालन में किया जाता है। खगोलीय इकाई निम्न में से
किसके बीच की औसत दूरी है? खगोलीय इकाई तो यह हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी। कॉस्मिक किरणें किस प्रकार की किरणें हैं? तो यह जो है आवेशित तथा अनावेशित कण है। सी वी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश प्रकीर्णन पर खोज के लिए जो है सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाएगा टेनिस से है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है किससे? इनसाइड ट्रेडिंग तो यह हो जाएगा शेयर बाजार से संबंधित है। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो मुक्त व्यापार से तात्पर्य हो जाएगा आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध का नहीं होना। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? शंकरलाल गुरु समिति का संबंध तो यह हो जाएगा कृषि विपणन से। एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 69 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा? यहाँ पर देखिए 24% लाभ पर बेचा यानी 124, 12% कम पर खरीदा और 20% लाभ। 12% कम यानी 88 और गुने करेंगे 20% लाभ पर बेचना है तो 88 गुने 120 बटे 100 तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 105.6 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 18.4 जो है दोनों का अंतर हो गया। और यहाँ पर अंतर कितना दिया हुआ है? 69 रुपये, 69 बटे 18.4 गुने करना है क्रय मूल्य के लिए 100 से 100 से तो ये कट के आ जाएगा 375 रुपया। ए और बी दो पाइप हैं, खाली टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है, 3 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है तो शेष बचे भाग को ए कितने समय में भरेगा? ए जो है 12 घंटे में ए भरता है और बी जो है 16 घंटे में भरता है। अब जो है दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48, 12 चौके 16 दिया तो 3 घंटे काम करता है दोनों। तो 1 घंटे में जो है यानी कि 1 घंटे में कितना काम? तो 4 काम, बी 1 घंटे में 3 काम तो 4 × 3 = 7 काम हो गया। कितना? 1 घंटा में 3 घंटा काम करता है तो 7 × 3 करेंगे तो 21, 21 काम को यहाँ से जो है हम घटाएंगे, 7 × 3 किए तो 21, 48 में से तो बचेगा मेरे पास 27। अब बी तो छोड़ देगा, अब ए करेगा। ए का कार्य क्षमता है 4, 27 में जो है 4 से भाग देंगे शेष काम के लिए 6.3/4। राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 था, अब से 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु में है पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखें 5 वर्ष पहले का अनुपात है 8, तो दिए गए विकल्प में अगर 40 में से 5 घटाएंगे 5 वर्ष, 45 में से 5 वर्ष पहले यानी करेंगे माइनस तो 40 आ जाएगा। अब देखें किसी भी में 5 घटाने से जो है 8 से भाग उसके अनुपात से किसी में नहीं लगेगा, केवल विकल्प बी में ही लगेगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं, अभय मोनू का पुत्र हैं, निकुंज अंजलि का पुत्र हैं, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से हुई है तो अभय का राकेश से क्या संबंध है? अभय राकेश का तो यह हो जाएगा नाती। उस संख्या की पहचान करना जो श्रेणी से संबंधित नहीं है, गलत है। देखिए यहाँ पर 7 × 1 किया है तो 7, अब की बार 2 बढ़ के गुना किया यानी 7 × 3 तो 21, अब की बार 2 बढ़ के गुना किया तो 21 × 5 = 105, अब की बार 7 से गुना होगा 105 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 735 यहाँ पर होगा, 735
35, तब यहाँ पर गुना हो जाएगा 9 से, तो जो कि 6615 हो जाएगा। तो यानी कि 730 जो है ये गलत दिया हुआ, यहाँ पर 735 होता। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।